गुड मॉर्निंग एवरी वन सो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सो इन टूडेज वीडियो विल स्टार्ट विद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल डिसीड्यूस फॉरेस्ट आपका मिलता कहाँ है बिटवीन द टॉपिक ये ट्रॉपिक ऑफ़ कैपरिकॉन हुआ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन और कैंसर के बीच में आपको मिलता है ट्रॉपिकल डिसीड्यूअस फॉरेस्ट जहाँ पे हॉट सीजन और वेट सीज़न को आप अलग अलग डिफरेंशियट कर सकते हो ड्राई सीजन और वेट सीज़न है जिसमें आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे इंडिया में ठीक है अभी ड्राई सीज़न है अभी तो बारिश हो नहीं रहा है अभी क्या है ड्राई सीज़न है फिर जब आपका जून जुलाई आएगा उसमें आपका वेट सीज़न होगा तो आप इंडिया पर अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हो ना कि हाँ अभी वेट सीज़न है अभी रेनी सीज़न है अभी ड्राई सीज़न है समर सीज़न है तो जब अलग अलग सीज़न जहाँ पे स्पेसिफ़ाई किया जा सकता है वेट और ड्राई स्पेस को अलग अलग स्पेसिफाई किया जाता किया जा सकता है जिन एरियाज़ में तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा वहाँ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डिस्डवस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट और जो यहाँ के ट्रीज होते हैं ट्रीज़ आर लाइक टीक बैम्बू सैंडलवुड ये सब क्या है दीज ट्रीज़ आर फाउंड एंड ट्रीज़ आर हैविंग कमर हैविंग कमर्शियल वैल्यू ठीक है दे आर कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज़ मतलब उनका मार्केट में कुछ वैल्यू रहता है इवन द डेल्ट आर फाउंड इन द डेल्टन फाउंड इन दिस रीजन डेल्टाज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल डिडस रीजन आर है और ट्रीज का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन एरियाज में जो ट्रीज मिलता है ट्रॉपिकल डिडस फॉरेस्ट जहाँ पे है वहां पर जो ट्रीज हैं ट्रीज शेड लीव्स फॉर सिक्स टू एट वीक्स इन द ड्राई पीरियड जस्ट टू रिड्यूज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ट्रांसपरेशन रेट को कम करने के लिए लीवस क्या करते हैं ट्रीज क्या करते हैं कि लीवस को गिरा देते हैं फॉर सिक्स टू एट वीक्स जस्ट टू रिड्यूज़ द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन एंड दरियाज वेर इट इज कॉमनली फाउंड ये मिलता कहाँ पर है आपका आपका मिलेगा ये जहाँ पर मानसून आएगा जैसे इंडिया का पाठ हुआ है. इंडिया आपका ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट का रीजन का है ठीक फिर आपका ये मिलता है ब्राज़ील में फिर आपका मिलेगा इन द सेंट्रल अमेरिका सेंट्रल अमेरिका का जो पार्ट है ये जो आपका सेंट्रल अमेरिका का जो पार्ट है इन एरियाज में आपको सेंट्रल अमेरिका फिर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डेसीडोस फॉरेस्ट इंडिया में ये पूरा ट्रॉपिकल डेसीडोस फॉरेस्ट का पार्ट है यहाँ पे आपको सेंट्रल यहाँ पे सेंट्रल साउथ अमेरिका में आपको ट्रॉपिकल डेसीडूस मिलेगा तो जहाँ पे आपका अलग ड्राई और वेट सीजन होगा वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल डिडस फॉरेस्ट मिलता है नेक्स्ट है आपका टेम्परेट डिसीड्यूस फॉरेस्ट टेम्परेट डिस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन के बीच में डिडस फॉरेस्ट मिल रहा है तो ट्रॉपिकल डिस्डोस और टेम्परेट रीजन में अगर डिसीडस फॉरेस्ट है तो आपका टेम्परेट डिसीड्यूस फॉरेस्ट टेम्परेट डिसीड्यूस फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है द लीव्स आर ब्रॉड शेप एंड द शेड डे लीव्स ड्यूरिंग विंटर ठीक है टेम्परेचर इज बिलो सिक्सटी डिग्री सेल्सियस उन एरियाज में जहाँ पे विंटर के टाइम में जहाँ पे छः डिग्री से कम टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पे क्या देखा गया है कि जो ट्रीज है डे शेड लीव्स ज्यूरिंग विंटर एंड ट्रीज आर ब्रॉड शेप्ड ठीक एंड मोस्टली द ट्रीज विच आर फाउंड हेयर आर मेपल पोपलर बीच ओक ठीक है एंड द एरियाज वे ट्रॉपिकल टेम्परेट डिडवस फॉरस्ट द एरियाज है डाउन जस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ और ये जनरली मिलता कहाँ पर है यह आपका नॉर्वे स्वीडन का पार्ट यहाँ पर नॉर्वे ये हुआ स्वीडन इन एरियाज में आपका मिलेगा टेम्परेट डिशिडस फॉरेस्ट नॉर्वे स्वीडन हुआ फिर आपका ब्रिटेन uh, हुआ जापान चाइना नॉर्थ ईस्टर्न यूएस ए साउथ चिली न्यूजीलैंड यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड फिर आपका चिली री दी, रीजन जो है आपका यहाँ पे ये यह चिली का एरिया यहाँ पे आपका मिलेगा आपका टेम्परेट डिस्टि फॉरेस्ट ओके नेक्स्ट इज द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट उन एरिया में मिलता है जहां पे आपका ड्राई समर हो एंड विंटर इज नॉट डेट चिली और आपका मॉडरेट विंटर होना चाहिए एंड रेनफॉल मोस्टली अकर्स इन विंटर सीजन विंटर्स के टाइम में ही आपका रेनफॉल होगा तो ये एरियाज़ कहाँ के हैं ये आपका पोर्टुगल जो यहाँ पे आपका समुद्र है अफ्रीका के जस्ट ऊपर मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी के पास जो कंट्रीज़ हैं वो हुआ आपका स्पेन पोर्टुगल स्पेन पॉर्टुगल का पार्ट फिर आपका ग्रीस इटली ये सब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट मिलता है तो इन कंट्रीज़ में देखा क्या जाता है कि विंटर uh, के टाइम में बारिश होता है समर क्या है समर इज़ कम्प्लीटली ड्राई एंड द ट्रीज हैव है ट्रीज आर हैविंग थिक लीवस एंड द रूट्स गो डीप इन साइड द अर्थ इन सर्च ऑफ वॉटर ठीक है तो यहाँ के लीव्स के ट्रीज कैसे देर है इन सर्च ऑफ वाटर एंड व्हाट हैज हैजन ओवर हियर दैट मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन हैज बीन क्लियर डाउन जस्ट फॉर प्लांटेशंस वहाँ पे ग्रेप्स ऑरेंजेस ग्रेप फ्रूट ऑलिव्स इनका प्लांटेशन लगा दिया गया इन कंट्रीज में ये जितना भी मेडिटेनियन फॉरेस्ट है मैक्सिमम ऑफ द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर डाउन तो यहाँ पे कहाँ मिलता है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट स्पेन पोर्टुगल साउथ ऑफ फ्रांस इटली इन कंट्रीज में आपको जो न, जो आपको मेडिटेरेनियन सी के ऊपर में कंट्री में लाइक करते हैं वहां पे आपको ये सारा आपको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का रीजन है ओके नेक्स्ट इज द कोनी फॉरेस्ट कॉनी फेरस फॉरेस्ट इज मेनली फाउंड इन टेम्परेट रीजन एंड ट्रीज़ आर इन द शेप ऑफ कौन ट्रीज किस शेप के होते हैं ट्रीज आर इन द शेप ऑफ कौन सच डेट और वो कौन शेप क्यों हुआ है ट्रीज़ का ट्रीज़ का कौन शेप क्यों है ऐसा कौन शेफ्ट क्यों रहता है ट्री का बिकॉज द स्नो विच इज़ फॉलिंग ऑन द ट्री स्नो विच फॉल्स ऑन द ट्री व्हाट है लीवस पे गिर के गिरे तो ये नीचे चला जाए ठीक है इट्सलाइड्स डाउन स्नो सेटल नहीं करे लीव्स पे ओके एंड द ट्रीज विच आर फाउंड हीयर आर पाइन स्प्रूज फर लेचेंस एंड द ट्रीज़ आर जनरली सॉफ्ट वुड मतलब उनका जो जो लकड़ी होता है वो बहुत हल्का होता है एंड दे आर वेरी कमर्शियली वैल्यूएबल एंड मेनली यूज इन यूजफुल इन मैनुफैक्चरिंग पेपर क्लियर और ये मिलता कहाँ पर है स्कैंडविया कैनेडा ये जो आपका सर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडा है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है ये फिर हिमालयास के स्लोप्स पे यूरप में यूरप का मैक्सिमम पार्ट यह आपका क्या है दीज ऑल आर एरिया ओके पाइड बाय को फेरस फॉरेस्ट कोनी फेरस फॉरेस्ट कौन शेप ट्रीज होगा कौन शेप क्यों है क्योंकि यहाँ जो बर्फ गिरेगा वो क्या हुआ स्नो स्लाइड डाउन इजली क्लियर एंड वट हैज बीन सीन दैट ओनली वन काइंड ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया बहुत दूर तक क्या है कि एक ही टाइप का ट्रीज़ है ऐसा नहीं कि मिक्स वैराइट है आप यहाँ पर देखिएगा ट्रॉपिकल डिस फॉरेस्ट आपके एरिया में क्या है कि बहुत सारे मिक्स वैराइटीज ऑफ ट्रीज़ आपको मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट में कोनीफेरस फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है मिक्स ट्रीज नहीं मिलेगा आपको एक ही टाइप का एक ही स्पीशीज़ का ट्री बहुत दूर दूर तक फैला हुआ मिलता है ओके एंड इट इज दट इज़ कोनीफेरस वेजिटिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एस टाइगा ऑफ वेजिटेशन ठीक और कौन कौन से कंट्रीज है साउथ पार्ट ऑफ कैनेडा नदन पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फिर आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूरप रशिया एंड द इवन द स्लोप्स ऑफ हिमालय हिमालय में अभी आपको क्या मिलता है होनी हिमालया में भी आपको कोनी फॉरेस्ट है ओके नाउ मूविंग तो जैसे डेजर्ट वेजिटेशन डेजर्ट वेजिटेशन क्या है कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है बहुत हाई टेम्परेचर रहता है और बारिश बहुत कम होता है लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी एनुअल रेनफॉल अगर कम होता है जिस एरिया में वहाँ पे आपको मिलता है डेजर्ट वेजिटेशन डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ पर मिलेगा इंडिया में आपका जो आपका राजस्थान का पार्ट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वहाँ पर आपको मिलेगा डेजर्ट वेजिटेशन एंड द ट्रीज दे आर जेरोट जेरोस प्लान्स ग्रो दे तो जीरो फाइट्स के बारे में आप क्या पढ़े देखिए जीरो फाइटिक प्लाट्स हैं दे आर जीरो फाइट एंड वाई दे आर कॉल्ड जीरो फाइट बिकॉज दे कैन विद स्टैंड वेरी लेस्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड द ट्रीज ऑफ ड्रीज प्लान गो डीप इन साइड द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर दे हैव थिक फ्लैशी स्टेम लाइक कैकटस अकाशिया डेट पाम मेनली फाउंड इन डीज एरियाज एंड द ट्रीज़ आर स्कैटर्ड बहुत दूर दूर तक ट्रीज मिलता है बहुत दूर दूर पर ट्रीज मिलता है एंड मेली थॉर् बुशेज आर फॉर्न ओके और वर्ल्ड में यहाँ कहाँ पर मिलेगा फिर आपके जैसे डेजर्ट एरिया कहाँ है वर्ल्ड में कैलिफोर्निया डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में एटकामा डेजर्ट है आपका साउथ अमेरिका सहारा और कालाहारी डेजर्ट सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका हार डेजर्ट इन इंडिया जो आपका राजस्थान में है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट फिर आपका कोल्ड डेजर्ट है आपका मैन इंडिया में भी आपका कोल्ड डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट इंडिया में कहाँ पे लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया तो वैसे एरिया जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से एनुअल रेनफॉल कम होगा उन एरियाज को क्या बोला जाएगा दो एरियाज विल बी कॉल्ड एज डेजर्ट रीजन ओके ठीक फिर एक है आपका कोल्ड डेजर्ट और टुंड्रा वेजिटेशन टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है कि टुंड्रा वेजिटेशन वेयर देर इज़ कंप्लीट

और ये जो एरिया है जहाँ पर ऐसा बर्फ कंडीशन रहता है वहाँ पे क्या बोल सकते हो कि ट्रीलेस वेजिटेशन इज़ देयर कोई वेजिटेशन नहीं ग्रो करता है मॉसेज और लिचेंस कब ग्रो करता है मॉसेज और लिचेंस ग्रो ओनली वेन द स्नो मेल्ट ड्यूरिंग द समर सीजन and very small and short shrubs are found near the desert and the uh, near the lake areas और ये generally मिलता कहाँ पर है north pole का जो region है जो आपका north america जो canada का part है फिर यहाँ पर northern russia का जो part है मतलब ये arctic circle का जो region है यहाँ पर आपको मिलेगा आपका tundra vegetation okay so I hope you have understood the types of vegetation which I have discussed today and in the next video I'll discuss about ट्रॉपिकल ग्रास और सवाना टेम्परेट ग्रास लैंड ग्रास लैंग आपका अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड अबाउट द माउंटेन वेजिटेशन ये जो तीन टाइप का वेजिटेशन है आपका अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस द टॉपिक वाइल्ड लाइफ एंड डयर कंजर्वेशन ओके थैंक यू